नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज और मैं हूं आपके साथ एसपी रावत। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्मों की। जी हां, इन दिनों महाराजगंज में कई फिल्मों की शूटिंग चल रही है। आए दिन किसी न किसी फिल्म को लेकर अभिनेता अभिनेत्री फिल्म शूट करते नज़र आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले दर्जनिया ताल में एक फिल्म के गाने की शूटिंग लुलिया और जय यादव जी के साथ हुआ, तो वहीं मेरे रंग में रंगने वाली भोजपुरी मूवी की शूटिंग महाराजगंज जनपद में ही हुई, जिसके मुख्य किरदार थे जय यादव, आम्रपाली दुबे, मुकेश जायसवाल और प्रतिभा साहू। तो वहीं हम बात करते हैं इन दिनों की, जहां महाराजगंज जनपद में एक बार फिर भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही है। जी हां, भोजपुरी फिल्म का नाम है अमानत और अमानत फिल्म के मुख्य किरदार हैं जय यादव, काजल राघवानी, ऋचा दीक्षित, मुकेश जायसवाल, प्रतिभा साहू। तो आइए देखते हैं हमारी जय यादव से और ऋचा दीक्षित से क्या बात हुई, देखें हमारे संवाददाता आयुब अली के साथ। इनके साथ मेरी तीसरी फिल्म है, हालांकि को आर्टिस्ट ये दूसरी फिल्में हैं, दो फिल्मों में को आर्टिस्ट नहीं थी। नहीं, एक्चुअली चौथी फिल्म है देखा जाए तो, और एज अ को आर्टिस्ट ये दूसरी फिल्म है। मैं इनको बहुत एज अ फ्रेंड बहुत पसंद करता हूँ, और एज अ को मैं बोलने वाला था, मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो फिर इसका मैंने कोई अलग ना निकाले, इसके लिए मैंने बोला एज अ फ्रेंड बहुत पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी बहुत अच्छी हैं, कानपुर वाली हैं, थैंक यू, और थोड़ी दबंग टाइप की भी हैं। तो ऋचा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, और अपने को आर्टिस्ट के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। चलो आजा, शिव वाला तुम आजा। ऋचा जी, बात करें इस फिल्म अमानत को लेकर, क्या है कहना चाहेंगे और आपकी अमानत क्या है इस फिल्म में? मेरी अमानत तो मेरी स्क्रिप्ट है, और इस फिल्म में मैं गेस्ट अपीयरेंस कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे पति देव जी हैं, और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी दूसरी शादी मैंने इनसे कर ली है। अभी कल परसों हुई हमारी शादी, तो बस जो पहले शादी हुई है, अब उनको तकलीफ ना हो, अब वो जा सकते हैं कहीं भी घूमने फिरने के लिए, है ना? जा सकते। आपकी पहली शादी कब हुई है, दूसरी शादी कर रहे हैं तो? मेरी पहली शादी तीन महीने पहले। रियल वाली या फिल्म वाली? रियल वाली। ये दूसरी रियल वाली शादी हो गई है, दूसरी। और उपहार में, मतलब अमानत के रूप में ये गिफ्ट इनसे बेटी मिल गई हम लोग को, ये बहुत खुश लग रही है। हाँ बेटा, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा ये बताओ बेटा, पापा और मम्मी में किसी को नंबर देना हो तो किसको सबसे ज्यादा नंबर दोगे, पापा को या मम्मी को? पापा। पापा नहीं बेटा, आपके पास चॉइस नहीं, आपको एक ही को देना है। एक ही को देना है पापा, एक ही को देना है पापा। पापा पापा। ओ पापा, फिर